नमस्कार दोस्तों, और कैसे हो? आइए आज हम बनाएंगे सोया कटलेट। सोया कटलेट बनाने के लिए देखिए, हमने कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें तेल डाल के हमने जीरा डाल दिया है। जीरा जैसे ही हमारा पकेगा, इसमें हम कुछ और चीजें ऐड करेंगे। ये देखिए, जीरा हमारा पूरी तरह से लगभग पक चुका है। और ये देखिए, हमारे पास प्याज है, ये हमारा कद्दूकस किया हुआ गाजर है, और ये हमने सोया बड़ी उबाल ली थी, थोड़ा सा नमक डाल के उसको ग्राइंड करके लिया है, और ये हमारे पास उबला हुआ आलू है, मैश करके ले लिया है हमने, और ये हमारे पास ब्रेड का क्रम्स बनाया है, ब्रेड को हमने ग्राइंड कर लिया है। ये सारी चीजें हमने तैयार करके रखी है। और ये देखिए, हम सबसे पहले इसमें हम प्याज को डाल देते हैं। प्याज को हम तेज आंच पर पकाएंगे। ये देखिए, प्याज हमें बहुत ज्यादा नहीं पकाना है, थोड़ा सा पिंक ही करना है। तेज आंच पर हमने प्याज को पका लिया। अब ये देखिए, हमने सोया जो हमने ग्राइंड करके लिया है वो हमने डाल दिया है। अब ये हमने गाजर डाल दिए, और ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से चला के मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हम चलाते हुए इसे अच्छी तरह से मिक्स कर चुके हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। ये देखिए, हमने आधा चम्मच करीब नमक डाल दिया है, और हल्दी डाल दी है आधा चम्मच ही, आधा चम्मच गरम मसाला, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज्यादा हमने चाट मसाला डाल दिया है, और रेड चिली पाउडर डाल दिया है आधा चम्मच। ये देखिए, हमने सारे मसाले इसमें मिक्स कर दिए हैं। अब इसके बाद में ये देखो, मैश किया हुआ आलू जो हमारे पास है, इसको भी हम इसमें डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, हम इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। ये मसाला और आलू हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। इसके बाद में इसमें हमने ये आधी कटोरी के करीब कॉर्न फ्लोर ले लिया है, और ये कॉर्न फ्लोर इसी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये बाइंडिंग के लिए जरूरी होता है। ये देखिए, इसे हम पूरी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा जब आलू के साथ में पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा, ये देखो, मिला लेना, ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स होना चाहिए। उसके बाद में देखिए, हमने धनिया डाल दी है, और इसको अब हम नीचे उतार के रख देते हैं। ये देखिए, हमने मैदे का घोल बना लिया है। अब ये देखिए, हमने ये कटलेट बनाना शुरू कर दिया है। ये दो कटलेट हम बना चुके हैं, और ये देखिए, हम कटलेट अपने जैसा हमारा दिल करे वैसे आकार दे सकते हैं। आपको जैसा पसंद हो वैसे कटलेट बनाए। हमने ये रोल से करके और ऊपर से थोड़ा सा पुश कर दिया है। ये देखिए, हमारे हमने कटलेट का ये आकार दिया है, और ये कटलेट हम रोल करते हुए और उसके बाद ऊपर से हम इसको थोड़ा सा दबा देंगे, फ्लैट सा हो जाएगा, लंबा रोल बन के, और थोड़ा सा दबा देना है। उसके बाद में ये देखिए, हमने इधर कढ़ाई चढ़ा रखी है, ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब ये हम जो मैदे का घोल बनाया इसमें हमने इसको डिप कर लिया है, और ये देखिए, ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाया उसी में सारे हम पीस इसमें मैदे में डिप करके और उसमें डालते जाएंगे, और ऊपर से फिर हम इसमें पूरे कटलेट पर हम ब्रेड क्रम्स चढ़ाएंगे। ब्रेड पूरे उस पर हमारे लगना चाहिए। ये देखिए, हमने जो पीस रखे हैं उनके ऊपर सारे में हमने ब्रेड क्रम्स डालने हैं।
इससे ये पूरी तरह से ब्रेड क्रम्स से ढक जाए और इसे हमें थोड़ा सा दबा देना है जिससे इसका ब्रेड क्रम्स तेल में ना निकले। और ये देखिए हमने ये पूरे रोल इसी तरह से तैयार करके रख लेने हैं फ्राई करने के लिए। ये देखिए इनको ब्रेड क्रम्स लगा के इसे थोड़ा सा पुश जरूर करना है जिससे कि तेल में ब्रेड क्रम्स ना निकले। ये देखिए हमने पूरी तरह से ये तैयार करके रख लिए हैं और इसके बाद में अब हम ये देखिए हमने सारे ब्रेड क्रम्स इसी तरह से बना लेने हैं और ये हमारे तैयार हो चुके हैं। अब तेल में हम एक एक करके देखिए डाल रहे हैं। हमने ये देखिए ये हमारे ब्रेड क्रम्स तेल में नहीं छूटने चाहिए इसलिए हमने इनको अच्छी तरह से पुश कर दिया है। और ये देखिए धीमी आंच पर इनको पकाना है, इनको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इनको गोल्डन ही रखना है क्योंकि इसमें हमने हल्दी नहीं ऐड की है इसलिए ये गोल्डन कलर पर ही बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ चुका है। लगभग हमारे कटलेट तैयार हो चुके हैं और ये देखिए हमारे जैसे ही कटलेट तैयार होंगे इन्हें हम बड़ी जाली में निकाल लेते हैं। ये देखिए हमने इन्हें बड़ी जाली में निकाल लिया है जिससे कि इनका तेल सारा निचुड़ जाए। ये देखिए ये सारे जैसे ही हमारे पक जाएंगे तो हम सारे कटलेट निकाल लेंगे और फिर इनकी प्लेटिंग करेंगे। ये देखिए हमने ग्रीन चटनी बनाई है और रेड चटनी बनाई है इनके साथ में। ये कटलेट बहुत अच्छे लगते हैं दोस्तों। ये देखिए हमारे कितने क्रिस्पी और क्रंची बने हुए हैं कटलेट, बहुत अच्छे हैं खाने में दोस्तों। सोया कटलेट बहुत टेस्टी बनते हैं। आप कभी भी आप अपने घर पर जरूर बनाना और बना के देखना। मेरे तो बहुत अच्छे कटलेट तैयार हुए हैं दोस्तों। आप बनाओगे तो कैसे बनेंगे वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और एक बार तो ट्राई जरूर करना, आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, धन्यवाद।